नालंदा के मोहनपुर स्थित मत्स्य हैचरी में बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन किया जा रहा है, जो करीब 12 एकड़ 29 डिसमिल हिस्से में फैला हुआ है। यहां 7 प्रकार के विभिन्न मछलियों का पालन के साथ उसका बीज भी तैयार किया जाता है। साथ ही मछली पालन के गुर सीखने के लिए सूबे के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं। यहां मछली पालन और उससे बेहतर ग्रोथ के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि मोहनपुर मत्स्य हैचरी पहुँच कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सिलाव मत्स्य जीवी सहयोग समिति प्राइवेट लिमिटेड के मंत्री शिवनंदन जी प्रसाद बताते हैं कि मछली पालकों को यहां प्रशिक्षण दिया जाता है और किसान आपके पास अगर अपना खेत हो तो तालाब की खुदवाई कराकर मछली पालन कर सकते हैं और जिससे उनकी आमदनी दुगनी हो सकती है। यहां पे 6-7 किस्म का मछली रहता है। अच्छा, गिलासकार है, कतला है, रेहू है, नैनी है, अमूलकार है, विकेट है, सिल्वर है, तब बिहार इलाका में हो जाता है। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जिले में कुल 11 हैचरी हैं, जिनमें 9 मुख्य रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जो जिले के अलग अलग प्रखंडों में हैं। जो किसान हैचरी का संचालन करना चाहते हैं वो आवेदन करें और भौतिक सत्यापन कर इसका लाभ उठाएं। हैचरी का जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख की लागत आती है, जिसका 50% अनुदान सरकार देती है, जो 5 साल से ज्यादा वक्त से संचालित हो रही है। नालंदा से न्यूज 18 डिजिटल के लिए मोहम्मद महमूद आलम की रिपोर्ट। भ्रमण दर्शन योजना अंतर्गत मछली पालन के लिए प्रशिक्षण के लिए यहाँ मोहनपुर मत्स्य हैचरी में आए हुए हैं। क्या क्या बताया जा रहा है लोगों को? इनका कम जगह में और कम खर्च में अधिक मछली उत्पादन कैसे हो, इसका गूढ़ रहस्य हम बता रहे हैं। हर एक सप्ताह में 100 फार्मर हमारे यहाँ प्रशिक्षण के लिए आते हैं और कम पूंजी पे भी बढ़िया बिजनेस किया जाए, इसके लिए हम सभी फार्मर को प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि मछली पालन कीजिए।